हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। अब हम लोग डीसीएम टेस्ट सीरीज के पेपर दे रहे हैं। सो टोटल पेपर होने हैं आपके 42। इसका पेपर नंबर 25 का हम डिस्कशन करेंगे आज, और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस एंड हीट ट्रांसफर। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस आपका 12th का टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है वो आपका 11th का टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वायर हैविंग रेजिस्टेंस 36 ओम इज चेंज्ड इनटू द सर्कुलर लूप एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, सर्कुलर लूप में। अब रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच। तो यहां पर आप अगर देखिए तो टोटल मान लिया ये हमारे पास वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 36 ओम। अब इसको सर्कुलर रूप में बदला तो ये पूरा जो एंगल आया 360 हुआ। तो ये 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि इसका 1/12 पार्ट हो गया, 36 अपॉन ये कितने पार्ट हो गए इसके, 30 के हमारे पास 12 पार्ट होंगे। तो ये हमारे पास एक पार्ट आ गया कितना, 3। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया 3 ओम का, और बाकी जो ये रेजिस्टेंस हुआ ये वाला, ये हो गया 33 ओम का। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ऐसे हो गया, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम और ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 33 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब आप समझ सकते हो कि इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो वन आर इक्विवेलेंट, डायरेक्ट लिख दो फार्मूला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 33 इंटू 3 अपॉन 33 प्लस 3, मीन्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 अपॉन 36। 9 से अगर कट करो, 9 11 बाई 4 आया, मतलब क्या आ गया, 2.75 आ जाएगा आंसर नंबर, हो जाएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं लोग। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। यहां पर आपको ये करंट निकालनी है, ये करंट आपके पास 1 एम्पियर दी हुई है। तो देखो कैसे करना है, हम लोग पहले क्या देख लेंगे भैया, ये रेजिस्टेंस तीनों किस में कनेक्टेड है, ऑल दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हमारे पास है 60, ये है हमारे पास 20, ये हमारे पास 10, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करो तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10। इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। अब इसके क्रॉस जो करंट है, ये रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गया यहां पे कितना है, दैट इज इक्वल टू 6 ओम। करंट 1 एम्पियर की है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसके इसके बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया 6 वोल्ट। इसका मतलब 6 वोल्ट इसमें भी रहेगा, 6 वोल्ट इसमें भी रहेगा, 6 वोल्ट इसमें भी रहेगा, क्योंकि कम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहां पर अब आप अगर देखो
तो इसके क्रॉस वोल्टेज 6 है, करंट हमें इसके क्रॉस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस है 60, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 60, ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर. क्या आ जाएगा? 0.1 एम्पियर. तो आंसर विल बी फर्स्ट, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आएगा. नेक्स्ट, थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर चेंज्ड व्हेन ए कंडक्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए बैटरी इज हीटेड ड्यू टू द करंट. करंट की वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, तो कौन कौन सी चीजें यहां पर चेंज होंगी? आपको मालूम है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी के सारी वैल्यू चेंज होंगी, तो क्या आएगा, आंसर विल बी 4. नेक्स्ट, फोर नंबर, फोर मेटेलिक प्लेट्स अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ईच प्लेट इज डी, देन कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. ए और बी के बीच हमें देखना है, किसके बीच में देखना है, ए और बी के बीच में देखना है, सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, डी है. अब देखो, तो यहां पर देखिए क्या है कि हमने अगर इसको मान लिया, यहां पे प्लस मान लें, तो ये पूरे में प्लस आ गया, पूरे में प्लस आ गया, और यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया. मतलब एक बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर ली, ऐसे, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. इसका मतलब क्या हो गया कि एक कैपेसिटर ये बना और एक कैपेसिटर ये बना, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मींस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा. इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा. दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए आपको मालूम है सी वन प्लस सी टू होता है, ये सी वन है, ये सी टू है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी सेकंड. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टू आ जाएगा, यहां पर सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से. इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू 4 ओम. अब देखो 4 ओम है कहां पे, 4 ओम आपका यहां पे दिख रहा है, ये कहां पे दिख रहा, ये दिख रहा, ठीक है. और आंसर किस में निकालना है, मिली एम्पियर में. आंसर किस में निकालना है, मिली एम्पियर में, ठीक है. तो यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए 2, 4 एंड 2, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास किस में है, सीरीज में है. ये किस में है, सीरीज में है. ये कनेक्ट हो गए, 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया. अब ये 8 इस 8 के साथ किस में जुड़ेगा, पैरेलल में, तो यहां पर आ जाएगा 4. अब ये 4 यहां पर आया, 4, 2 और 2, ये हमारे पास किस में आएंगे, ये फिर हमारे पास सीरीज में आ जाएगा, फिर हो जाएगा 8 और 8, फिर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो फिर ये 4 आ जाएगा. पूरा यहां से यहां तक खत्म हो गया, यहां पर आ गया 4. अब ये 4 आ गया, 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया, 4 प्लस 3 7 एंड 2 9. तो यहां से जो करंट आ रही होगी वो करंट कितनी आ रही होगी, वो आ रही होगी 9 अपॉन 9, मतलब 1 एम्पियर की करंट आ रही होगी. कितनी करंट आ रही होगी, 1 एम्पियर की करंट आ रही होगी. अब आगे देखो, अब आगे समझिए क्या कह रहा है, मतलब अब हमारे पास क्या हो गया, यहां पर 1 एम्पियर की करंट आ रही. अब यहां पर ये पूरा हमारे पास 4 हो चुका था, ये हमारे पास कितना है, 8 है, क्योंकि ये हमारे पास कितना आ गया है, यहां पे 4 हो चुका है, ये इसके साथ पैरेलल में आया, तो यहां पर अब करंट क्या हो जाएगी, ये 8 ओम इधर और ये 8 ओम इधर, तो कितना बना.
अब यहां पर करंट क्या हो गई, ये हो गया हमारे पास 0.5 एम्पियर इधर हो गया और 0.5 एम्पियर इधर हो गया। अब यहां पर आ जाओ, ये पूरा हमारे पास 8 है और ये हमारे पास पूरा 8 है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा 0.5 का हाफ, दोनों में करंट क्या होगी आधी आधी आ जाएगी ना, हाफ करंट, तो यहां पर क्या हो गया 0.25 और यहां पर भी क्या आ जाएगा 0.25, तो 0.25 एम्पियर आया। क्या आया? 0.25 एम्पियर आया। तो इसको मिली एम्पियर में अपने को बदलना है, तो मिली एम्पियर में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 250 मिली एम्पियर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारे पास ए नहीं है, ठीक है, ए हाँ, क्योंकि यहां पे मिली एम्पियर ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू वायर ऑफ सेम मेटल हैविंग सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शंस आर इन रेशियो 3:1, इनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो 3:1 में है। द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज 10 ओम, देन दे आर कंजॉइंट इन सीरीज, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इनके जो अनुप्रस्थ काट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:1 है और मोटे तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ें तो प्रतिरोध कितना होगा। एक ही मटेरियल के हैं, एक ही मेटल के हैं, इसका मतलब दोनों का रोक की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लंबाइयां भी समान हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A आएगा, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1A2/A1, ठीक है। मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हमारे पास है 10 10/R2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3, ये हो गया A2, कितना हो गया, ये हमारे पास है 1, तो R2 कितना आ गया, R2 हमारे पास हो गया 30, R1 हमारे पास है 10 और R2 है 30, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो क्या आंसर क्या आ गया, 10+30 इज इक्वल टू 40, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, तार की प्रतिरोधकता क्या कह रहा है, तार की लंबाई के साथ बढ़ती है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के साथ घटती है, तार के साथ बढ़ती है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के साथ बढ़ती है, जो प्रतिरोधकता होती है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल, उस चालक तार के मेटीरियल पर केवल डिपेंड करता है, हम कैसा भी लें तार, लंबाई कम हो ज्यादा हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, टू डिफरेंट कंडक्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस एट 0°C, इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर एट T1°C इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कंडक्टर एट T2°C, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशियंट α1 एंड α2। 0°C पर दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, तो R0 + RT = R01 + α, ये होता ना फार्मूला, RT = R01 + α δ θ, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो R1 = R2 कह रहा है, R1 = R2 मतलब क्या हो गया, R01 + α1 T1 = R01 + α2 T2, R0 से R0 कटा, 1 से 1 कटा, α1/α2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा T2/T1, क्या जाएगा T2/T1।
तो देख लो बेटा T2 by T1 कहां पर है, ये आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर त्रिज्या के किसी गोली चालक की धारिता फैराड में क्या होगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, C इज इक्वल क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो C इज इक्वल कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 9 इनटू 10 रेस्ट टू द पावर 9 और r कितना हो गया 1, तो C कितना आ गया, इसको ऐसे 10 कर लें और यहां पे 9 इनटू 10 रेस्ट पावर 10 कर लें, कोई दिक्कत। अब ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस, लगभग ये आएगा। तो आंसर देखो बेटा कौन सा आएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ टू सिमिलर डायमेंशन कंडक्टर, देन द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है, लेंथ सेम है दोनों की, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, तो यहां पर जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रो की जगह में क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा होता है, तो L अपॉन सिग्मा ए हो गया। अब देखो यहां से क्या बनी बात, वन अपान आर हम डायरेक्ट अगर देख लें, यहां से अगर हम लोग वन अपान आर अगर देख लें डायरेक्ट, वन अपान आर, तो वन अपान आर कितना आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एल आ गया। तो यहां पर अब आप वैल्यू रखो, तो सिग्मा इंटू 2a अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा 1 a अपॉन एल प्लस सिग्मा 2 a अपॉन एल, एल कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। आंसर बेटा चेक करो कौन सा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 2 ओम। अब यहां पे करंट कह रहा है, यहां पे करंट कह रहा है, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां से जो करंट जा रही होगी ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे गई, जो करंट यहां पर जा रही वही यहां पर जानी चाहिए, यहां पर देखो जो करंट यहां से ऐसे जा रही वही यहां पर जानी चाहिए, इसका मतलब यहां पे कोई करंट आई नहीं रही, इसका मतलब यहां पे करंट क्या हो गया जीरो, आंसर क्या आ जाएगा 4। क्यों नहीं, सीधे कर सोचना है, देखना है डायग्राम में, बस वैसे आंसर आपको तुरंत कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन नेटवर्क द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी देखो कहां पे है, ए और बी यहां पर है, ठीक है, अब 4 6 12 3, 4 6 12 3,
हमने यहां पर कोई एक पॉइंट मान लिया, सपोज ये पॉइंट हमारे पास सी है, तो यहां पर भी क्या रहेगा, सी रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा, ए की वैल्यू रहेगी। तो देखो ऐसे बना लिया ए और ये बना लिया बी और बीच में कहीं पर हमने लिख दिया सी, ठीक है। अब बी और सी के बीच में फोर है, बी और सी के बीच में फोर है, फोर ओम है, फिर बी और सी के बीच में यहां पर 12 है, ये देखो ऐसे आया वायर और ये टर्न लिया, तो यहां पर क्या हो गया, बी और सी के बीच यहां पे 12 है, बी और सी के बीच में यहां पे 12 है, फिर ए और सी के बीच में 3 है, ए और सी के बीच में 3 है, और ए और सी के बीच में 6 है, ये 6 है, ये दोनों पैरेलल में जोड़ो, ये दोनों पैरेलल में जोड़ो, फिर दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है। तो दोनों जोड़ो पैरेलल में, 6 3 18 बाई ऐड हो गया दोनों 9 आ गया। यहाँ पर देखो ये हो गया 4 × 12 कितना आ गया 48 और ये हो गया 16, ये आ गया 3, ये आ गया 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 ओम। तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो वोल्ट मीटर के यहां पे रेजिस्टेंस दिया है 40, ये 60, तो ये हमारे पास किस में आ गया, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरा देखो तो क्या आ जाएगा, 60 × 40 / 60 + 40, ये हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस, ये मान लिया R1 आ गया, ये हमारे पास हो गया R1, तो कितना आ गया R1 बराबर 2400/100, ये कट करो तो ये क्या आ गया 24 ओम आ गया, ठीक। अब ये 24 ओम और ये हमारे पास कितना है 40, 24 ओम और 40 ये दोनों सीरीज में जोड़ो तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया 40 + 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 64 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब यहां पे करंट देखो कितनी है, यहां पे करंट कितनी है, पोटेंशियल जो बैटरी का ईएमएफ दिया है वो 6 वोल्ट दिया है, तो जो करंट आएगी वो कितनी आ गई, 6/64 आ गया, और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 24 है, तो 24 कर लिया। अब इसको देख लो, क्योंकि इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल चाहिए तो 8 से कट करो, 8 3 जा 18 8 2 4 9 9/4 मतलब 2.25 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा, आंसर विल बी 1, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.8, यहां पर 0.8 है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा। तो एक बात देखो कि हमने यहां पर करंट हमने मान लिया I1 और यहां पर करंट मान लिया I2, इसके बीच में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस इसका और करंट इनटू रेजिस्टेंस इसका, ये दोनों रहेंगे सेम। तो कितना हो गया 3 × 0.8 बराबर I2 × 6, 3 × 2 = 6, 2 I2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। I1 हमारे पास क्या है, I1 है 0.8, तो जो टोटल करंट आई वो क्या आ गई 0.8 + 0.4, ये हमारे पास आ गया 1.2 एम्पियर करंट आ गई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 ओम के क्रॉस, तो 4 × 1.2 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 4.8 वोल्ट आ गया। तो आंसर कौन सा सही हुआ, इसका आंसर 4.8 देखो कौन सा सही है, ये हमारे पास आंसर नंबर 3 इज करेक्ट।
15. यहां पर देखिए, ए ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल सेल ईच आर ज्वाइंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन द सीरीज फॉर्म द लूप एज शोन इन द फिगर देन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल. जब भी कभी हमारे पास सेल एक रेगुलर अरेंजमेंट में कनेक्टेड हो, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये प्लस फिर आ गया माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे कनेक्टेड है और पूरा लूप बना रहा है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो भी हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो जीरो आता है. बस कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर जीरो टिक करना है. तो आंसर जीरो, ठीक है, बशर्ते कि जो सेल हैं एक सही ऑर्डर में जुड़े हों, ठीक है, और वो एक कंप्लीट लूप बना रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द करंट अक्रॉस टू ओम. इसके अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है. देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सेवेंटीन. अब देखो जरा, हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है. तो ये देखो, ये है प्लस का और ये है माइनस का. इसका इससे मल्टीप्लाई आपको मालूम है, ए मान लिया और ये मान लिया बी मान लिया, तो वी ए बी कितना होगा, ये इनका इनका गुणा करो कितना आ गया, 84 आया. अब ये माइनस है, इसका इसका गुणा करो, माइनस क्या आया, 40 अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 10. कितना आ गया, 44 अपॉन 10. ये क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास 4.4 वोल्ट. ये क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो, ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो ये हमारे पास 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/8. तो ये हमारे पास जो r आएगा ये आ जाएगा 2.4, ये 4 है, ये आ जाएगा 2.4. अब ये हमारे पास जो पूरा बना, अब ऐसा बना, देखो ये बना a, ये बना b, ये वोल्टेज कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4.4 हो गया, और ये हो गया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.4 हो गया, और ये हमारे पास कितना है, 2. अब समझ सकते हो ये इस पूरी लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.4, और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 4.4, तो करंट क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी 1 एम्पियर, आंसर विल बी 4. फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. 17. अब देखिए इसमें, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.8 इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर द करंट आई इन द सर्किट. आपको करंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो हम लोग क्या करें, इसका रेजिस्टेंस निकालें. तो 3 इंटू 2
अपॉन 3 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया, इसका रेजिस्टेंस मान लिया आर वन है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वन हमारे पास आ जाएगा 1.2 ओम, ये आ गया। अब इसका 1.2 ओम आ गया, ये 0.8 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 प्लस 0.8 प्लस 1.2 मिलकर कितना हो गया, 2 प्लस 4 हो गया 6 ओम। तो करंट कितनी आ गई, करंट कितनी आ गई, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर 12/6, मतलब कितना आ गया, 2 एम्पियर की करंट आ गई। करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर की करंट आ गई। आंसर विल बी थर्ड। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहां पर इन द सर्किट सोन इफ द कनेक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देन द करेंट इन द वायर विल बी। अब यहां पे बताना है कि यहां से ए से बी में करंट जा रही है या बी से ए की तरफ जा रही करंट। अब पहले देखो कि अगर मान लिया इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता तो दोनों के पोटेंशियल सेम होते, मतलब यहां पे कोई फ्लो ही नहीं होता, करंट हमारे पास जीरो होते। लेकिन अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बैलेंस नहीं है ब्रिज, ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कम पोटेंशियल पर हुआ और ये हमारे पास यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कम हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, तो यहां पर क्या हुआ, ये ज्यादा हो गया। तो अब जो फ्लो होगा करंट का किधर से किधर की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा, तो कहां से किधर होगा, बी से ए की तरफ होगा, तो आंसर विल बी 4। देखिए इन द सिचुएशन शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ऑफ स्मॉलर ईएमएफ, स्मॉलर ईएमएफ के अक्रॉस हमें क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे करंट ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही है। तो अब देखिए बेटा क्या हुआ कि ये एक तरीके से यहां पे डिस्चार्ज हो रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे करंट निकाल लें, तो करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10-2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 4। तो ये आ गया हमारे पास 8/4, मतलब कितना आ गया, 2 एम्पियर की करंट आ गई। और इसके क्रॉस हमें लेना है तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो गया, V इज इक्वल टू क्या हो गया, E प्लस आई आर। तो 2 प्लस I कितना है, 2, और R कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। आंसर हो गया आपका 4 वोल्ट, आंसर विल बी 2। 20 देखिए यहां पर द सिचुएशन शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने बताया था कि इस वाले का ये देखो प्लस है और ये माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, 10 × 2, और ये माइनस है तो माइनस क्या हो गया, 4 × 2 अपॉन ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 + 2 क्या हो गया, 4, तो 20 - 8/4, तो ये क्या आ गया, 12/4 आया, तो ये क्या आ गया, 3 वोल्ट आ गया। तो 3 वोल्ट तो पहले देख लो कहां पर है, दिख ही रहा, यही है, और 2 और 2 ये दोनों पैरेलल में आएंगे तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3। देखिए द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहां पर देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम हमारे किस में आएंगे, सीरीज में, तो जब सीरीज में आ गए तो 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड सीरीज में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड आएगा। अब ये 1 माइक्रोफेरेड इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, और ये 2 माइक्रोफेरेड इसके साथ फिर किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ गया,
टू और टू मिलकर के फिर कितना हो गया, वन माइक्रोफेड करते चले हो आराम से बढ़िया से। अब ये वन आ गया, ये पूरे का वन आ गया, ये पूरे का वन आ गया, और ये वन, वन और वन हमारे पास पैरेलल में है, तो सीधा आ जाएगा कितना, टू माइक्रोफेरेड आ जाएगा। आंसर विल बी सिक्स थर्ड। ट्वेंटी टू। अब ट्वेंटी टू देखिए, देखो यहां पर ये थर्टी, ये थर्टी, ये थर्टी, ये थर्टी। अब अगर आप जाकर ध्यान से देखें तो जो ये है हमारे पास पॉइंट ए, तो ये देखते चले आओ यहां पर, यहां पर, यहां पर इसके क्रॉस शॉर्ट हो गया, तो ये वाला पॉइंट एक तरीके से यहां पर आ गया। तो अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या आ गया, बच्चे क्या करते हैं, इसको 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 पैरेलल में जोड़ने लगता है ना, दिखता है कि पैरेलल है, तो पैरेलल कर दिया, और पैरेलल करने के बाद कह रहे भैया सीरीज में आ गया, कहाँ सीरीज में, ठीक है, इसका कोई रोल बचा ही नहीं क्योंकि ये यहाँ से शॉर्टेड हो गया, तो सब शॉर्टेड हो गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, 30 ओम बचा, आंसर क्या आ गया, थर्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट आते हैं बेटा 23। 23 देखिए, रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट, रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट, आपको बताना है कि यहां पर इसका, तो यहां पर देखो ये हमने मान लिया ए और ये हमने मान लिया बी, ये प्लस है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वी ए बी कितना हो गया, ये हो गया 6 इंटू, पहले 12 इंटू 4 करें, क्या करें, ये ज़्यादा है, 12 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, कोई भी लिख सकते थे पहले क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 प्लस 4 कितना आ गया, 48 प्लस 12 अपॉन 6 कितना आ गया, 60 अपॉन 6 कितना आ गया, 10 वोल्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट आंसर आएगा 10 वोल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट सोन आर की वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, तो यहां पर देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 प्लस आर प्लस 4 तो कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 प्लस आर, ठीक है, वोल्टेज कितना है यहां पे, 12 है, करंट कितना है, 1 है, ठीक, तो यहां पर 12 आ जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 6 ओम, R इक्वल टू कितना आ गया, 6 ओम, तो आंसर विल बी सेकंड। 25। अब देखिए, 5 आइडेंटिकल लैंप्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1100, ये 1100 है, ये 1100, ये 1100, ये 1100, ये 1100, तो भैया अरे सब में करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 220 अपॉन 1000, सॉरी 1100, ये काटो कितना आ गया, 1/5 एम्पियर की करंट आ गई, तो यहाँ पर भी 1/5, यहाँ पर भी 1/5, यहाँ पर भी 1/5, यहाँ पर भी 1/5, ठीक है, यहां पर भी 1/5, तो अब हमें कहां पे निकालना है, यहां पर निकालना है, तो एक 1/5 वी आ रही होगी, एक 1/5 वी आ रही, एक 1/5 वी आ रही, तो टोटल करंट यहां पे कितनी आ गई, 3/5, टोटल करंट कितनी आ गई, 3/5। आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी थर्ड। 26 नंबर। अब 26 नंबर देखो, द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। अब एक बात ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन इतना दिख रहा है, ये
ध्यान से देखो क्या ब्रिज बैलेंस है, क्या ब्रिज बैलेंस है? 4/4, 2/2, मतलब इसका कोई रोल नहीं बचा, उसका कोई रोल नहीं बचा। अब क्या हुआ, अब ये 4 और 4 सीरीज में आएंगे कि पैरेलल में? बेटा पैरेलल में आएंगे ये दोनों। ये पैरेलल में आ गया, हो गया 2 ओम, ये पैरेलल में आ गए, ये क्या हो गया 2 ओम। ठीक है, तो 2 और 2 मिलकर के ये सीरीज में आ गए, कितना हो गया 4 ओम, ये आ गया और 4 ओम ये आ गया। अब ये 4 ओम हमारे पास, ये टोटल बना बेटा, ये जो टोटल बना ये पूरा बन गया हमारे पास 4 ओम, ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ तक का ये बन गया 4 ओम। 4 ओम ये है और 4 ओम ये है, ये दोनों पैरेलल में आ गए, आंसर क्या आ गया 2 ओम। ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, फीड स्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, ये दोनों पैरेलल में आएंगे 2 आ गया, ये दोनों पैरेलल में आएंगे 2 आ गया। अब ये वाला 2 इसके साथ ये सीरीज में जुड़ जाएगा तो हो गया 4 ओम, और ये हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास मिल करके क्या आ गया 2 ओम आ गया, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए सेल हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R इज गिवन बाय। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है मैक्सिमम, धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सिग्मा इज इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। सिग्मा इज इक्वल टू 0 ये हमारा किसको बताता है, चार्ज कंजर्वेशन को बताता है। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है वो किसको बताता है, वो एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो यहां पर किसको बता रहा है, ये आवेश के संरक्षण को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, अब ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ ए सेल एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कब होती है, जब ईएमएफ की हाफ वैल्यू हो। तो ईएमएफ की हाफ वैल्यू, ईएमएफ कितना हो गया, सेल का ईएमएफ है 8 वोल्ट, तो इसकी हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी 4 वोल्ट, तो सीधा आंसर आपको कर देना है। तो पी मैक्सिमम कब होगा, ये होता है एट वी इज इक्वल टू ई बाई 2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट 30, इफ ए शंट ऑफ 1/10 ऑफ द क्वाइल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी। देखो किसमें शंट लगाया गया, ये हमारे पास है जी, ये हो गया आई जी,
ये हो गया आई माइनस आई जी, ये शंट लगा दिया, ये हो गया आई माइनस आई जी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर रेजिस्टेंस आर है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर बाई टेन, मतलब ऐसे समझ लो ये जी है तो ये कितना हो गया, ये हो गया जी बाई टेन, ठीक है। अब देखो आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू जी बाई टेन, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आई जी इज इक्वल टू टेन आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 11 आई जी। तो आई की वैल्यू क्या क्या इंक्रीज होकर के आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होकर के आ जाएगी 11 टाइम्स, ठीक है 11 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, थर्टीन वन। देयर इज ए फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सच ए वे दैट द फर्स्ट अरेंजमेंट दे हेल्प ईच अदर, वेयर एज इन द सेकेंड अरेंजमेंट दे अपोज ईच अदर, देन व्हाट इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पहले क्या करता है, पहले ये दोनों हमें सपोर्ट करे, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये होता है फार्मूला। अब अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L1 प्लस L2, L1 हमारे पास है 120 प्लस 60 अपॉन 120 माइनस 60, कितना हो गया 180 अपॉन 60, कितना आ गया 3:1। आंसर क्या आ जाएगा इसका 3:1, चेक करो, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसका आता है हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। ए मीटर ब्रिज विद रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन टू गैप इज बैलेंस्ड एट 0.4 मीटर फ्रॉम द जीरो एंड, इफ द स्मॉलर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस देन बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 0.4 मीटर फ्रॉम द अनदर एंड। देखिए ये हमारे पास कोई मीटर ब्रिज है, ये ए है ये बी है, अब यहां पर दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है और एक R2 है। बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिला 0.4 मीटर पर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.6 मीटर हो गया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.6, कितना आ गया 2/3, ये आ गया। अब आगे चलो, अब आगे क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, स्मॉलर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस, स्मॉलर यहां पर है R1, तो R1 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया R1 प्लस 10, अब बैलेंसिंग पॉइंट देखना है कहां मिला, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R2। अब बैलेंसिंग पॉइंट हमारे पास कहाँ से मिला, 0.4 अदर एंड से मिला, यहाँ से मिल रहा, ये 0.4 है और ये हमारे पास है 0.6, तो क्या हो गया R1 प्लस 10 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू R2 बाई 0.4, ये कट करो 3, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 2R1 प्लस 20 बराबर 3R2, आ गया। तो छोटे प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो R2 इज इक्वल टू यहां से क्या हो गया 2R2 इज इक्वल टू 3R1, तो R2 की जगह में क्या हो गया 3R1/2, R2 की जगह में क्या हो गया 3R1/2, तो यहां से देख लो R1 प्लस 10 अपॉन 3
3 इज इक्वल टू आर टू की जम क्या हो गया 3R1/2, तो 3R1 by ये कितना हो जाएगा 4, 2 ये है तो कितना आ जाएगा 4R1 + 40 इज इक्वल टू 9R1, तो 5R1 इज इक्वल टू क्या आ गया 40, तो R1 क्या आ गया 8 ओम, R1 कितना आ गया 8 ओम, आंसर विल बी 4। थर्टी थ्री नंबर देखिए, द करेंट आई ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट। अब देखो ये दोनों और ये दोनों क्या है, ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, मतलब यहां पर इस वाले रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं बचा। ये हो गया हमारे पास 30 और ये हो गया 15, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 30 × 15/30+15, ये हो गया हमारे पास 40, 30 × 15/45, इसको कट करो 3, कितना आ गया 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ से एक रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम और वोल्टेज कितना है हमारे पास 5 है, तो करंट कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 5/10 कर देंगे तो करंट हमारे पास क्या आ गया 0.5 एम्पियर के करंट आ गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। अब आगे चलते हैं 34 देखो क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10⁻⁷ ओम मीटर और करंट इज 0.1 एम्पियर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लें, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, रो कितना दिया हुआ है 10⁻⁷ दिया है, एल कितना दिया हुआ है लेंथ, चलो कोई बात नहीं लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, फिर एरिया क्रॉस सेक्शन क्या दिया है 10⁻⁶, ठीक है तो ये कितना आ गया, ये आ गया L/L × 10⁻⁶ आ गया, ठीक है। V इज इक्वल क्या होता है IR होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है V/L इज इक्वल टू IR, ये हमें निकालना है। देखो तो पहले तो V निकाल लो, V इज इक्वल टू IR, I कितना है 0.1 है और ये हो गया I, R कितना हो गया L × 10⁻⁶, ये हो गया। अब ये L इधर ले आओ तो V/L कितना हो गया 10⁻⁪, कितना आ गया 10⁻⁪ वोल्ट पर मीटर, आंसर विल बी फर्स्ट। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से देखिए, 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर हम इसको ओपन कर लें तो ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास आ गया बी, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, कुछ इस तरीके से बन रहा सी आर डी, एफ हो गया पॉइंट और ये आ गया हमारे पास ई, ये आर और ये हमारे पास आर, यहाँ पर ये आर,
तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी करंट नहीं जाएगी। हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है ए एफ, मतलब ये करंट हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये करंट क्या आएगी, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आएगा, आर और आर दोनों हमारे पास किस में हो गए, सीरीज में। ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, दोनों सीरीज में हो गए। तो ये हो गया हमारे पास 2R और ये हो गया 2R, 2R और 2R दोनों हो गए पैरेलल में। तो करंट क्या आएगी वो देख लो। अब टोटल करंट हमारे पास क्या आ गई, I इक्वल टू क्या आ गई, V अपॉन R आ गया। अब देखो पूछ किस सेगमेंट में रहा है, ये पूछ रहा है ए एफ सी इसमें। तो यहां पर करंट क्या आ जाएगी इसका, ठीक हाफ करंट आएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, V बाई 2R आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस सी इन स्टेडी स्टेट एज शोन इन द फिगर, यहां पर हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लो क्या आएगा, और कब पूछ रहा है, स्थायी अवस्था की बात कर रहा है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, इसका मतलब करंट जो आएगी वो ये आएगी, ये करंट की डायरेक्शन। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन आर टू प्लस आर होगा, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू क्या होगा, E R2 अपॉन R2 प्लस R। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा थर्ड। Q इज इक्वल टू C इंटू V लगा लो, आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। 37। थ्री कैपेसिटेंस ईच ऑफ 12 आर अवेलेबल, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितने हैं, थ्री। तो अगर हम मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें, तो अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, सी सीरीज हमारे पास आ गया 12/3, कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड, और पैरेलल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 12, कितना आ जाएगा 36। आंसर चेक करो, आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। 38। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर कैपेसिटी इक्वल सी वन इज इक्वल टू सी, सी वन इज इक्वल टू सी, ठीक है ये C है। C2 इज इक्वल टू 2C, ये हमारे पास 2C है, एंड C3 इज इक्वल टू 3C, ये हमारे पास 3C है, और C4 इज इक्वल टू 4C, ये हमारे पास 4C है। द रेशियो ऑफ द चार्जेस हमें कैलकुलेट करना है C2 और C4 में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कितना हो गया, ये तीनों हमारे पास किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/2C प्लस 1/C, 6C LCM हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 6। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या आ गया, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 6C अपॉन 11, ये आया, ठीक है। पोटेंशियल तो दोनों में सेम रहेगा, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो क्यू वन बाई सी वन इज इक्वल टू क्यू टू बाई सी टू, ठीक है। तो जो चार्ज यहां पर रहेगा, इस पे हमारा मान लिया चार्ज क्यू वन है, और इस पर चार्ज हमारे पास मान लिया क्यू टू है। तो क्यू वन कितना आया, क्यू वन और इसके क्रॉस हमारे पास क्या हो गया, 6C बाई 11 क्यू टू, और सी टू कितना हो गया बेटा,
ये आ गया 4C, 2 से कट करो, 2 3 जा 2 2 जा, तो Q1 by Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 by 22, Q1 by Q2 क्या आ जाएगा 3 by 22, तो ये आंसर हो गया हमारे पास 3 by 22। 38 नंबर, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है हमें यहां यहां पे। तो ये देखो ये दोनों हमारे पास सीरीज में है, ये क्या आ गया 1 आ गया, 1 और 1 किस में है पैरेलल में है, तो ये पूरा मिलकर के क्या हो गया 2 हो गया। अब ये वाला 2 इसके साथ किस में है सीरीज में है, क्या आ गया 1 आ गया। अब ये 1 आ गया और ये 1 हमारे पास पैरेलल में है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब देखिए 6 मेटेलिक प्लेट्स ईच ऑफ सरफेस एरिया ए एंड द सेपरेशन आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, द अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। अल्टरनेट दिया हुआ, तो यहाँ पे अल्टरनेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे एन कितना है, एन दिया हुआ 6 प्लेट हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आंसर हो जाएगा सेकेंड। 41 फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। यहां पर तो यहां पर हमें स्टेडी स्टेट में निकालना है, तो सबसे पहले हम करंट निकालना है, करंट निकालो तो क्या आ जाएगा 12 upon 6 plus 2, ये 6 और ये, मतलब करंट ऐसे जा रही होगी ये, तो कितना आ गया 12 by 8, 4 2 मतलब 3 by 2 आ गया। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या आ गया V इज इक्वल टू 3 by 2 into 6, कितना आ गया 9 आ गया, 9 वोल्ट आ गया। अब चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया CV, C कितना है 2 है और V कितना है 9 है, कितना आ गया 18 वोल्ट, कितना आ गया 18 वोल्ट, ये हो गया आंसर नंबर 41 का 18। 18। नेक्स्ट 42 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड हमें यहां दिख रहा है ये। अब देखो ये तीनों हमारे पास किस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों पैरेलल में है, तो कितना हो गया 3 3 6 and 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 2, ये आ गया 6 और ये हो गया 2। अब दोनों हमारे पास किस में आ गए, ये हो गया हमारे सीरीज में। अब सीरीज में आ गए तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट हो गया 12 into 2 upon 12 plus 2, 2 तो 12 by 7 आ गया, ये हमारे पास आ गया सी इक्विवेलेंट। तो चार्ज निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो 12 by 7 into कितना हो गया 70 10, कितना आ गया 120, ये आ गया कितना आ गया 120। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वही चार्ज यहाँ पे रहेगा, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी होता है, क्यू हमारे पास कितना हो गया 120 और सी कितना है 2, इसको कट करो कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, आंसर विल बी सेकेंड। 43
two walls of thickness d1 and d2, thermal conductivities k1 and k2 are in contact. Then in a steady state, if the temperature at the outer surface is T1, यहाँ पर और यहाँ पर T2 है, यहाँ पर कॉमन वॉल ये है, हमें इसका टेम्परेचर निकालना है. तो इसका तो सीधा सीधा फार्मूला ध्यान रखिए, अदरवाइज हीट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, दोनों को इक्वेट करिए, तो वो बहुत लंबा झंझट है, बहुत लंबा प्रोसेस. अगर फार्मूला डायरेक्ट याद रखोगे देन दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट. और ये आपको थ्योरी में जब पढ़ाया जाता है तो ये पूरा वहाँ पे डिराइव करके बताया जाता है. ये हो गया 43. 44. If a liquid is heated in weightlessness, the heat is transmitted through the liquid by the, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तो द्रव से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो वेटलेसनेस की वजह से हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ड्यू टू द कंडक्शन. तो हम लोग आते बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में. ए वॉल हैज टू लेयर्स ए एंड बी, ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, बोथ लेयर्स आर ऑफ सेम थिकनेस, बट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. इफ इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर बी. देखो ये हमारे पास एक लेयर ए है और एक लेयर बी है, ये है हमारे पास दो लेयर. अब इसकी कंडक्टिविटी K1 इज इक्वल टू 2K है और इसकी कंडक्टिविटी K2 इज इक्वल टू K है. कंडक्टिविटी ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल मतलब यहाँ पर हमने मान लिया सपोज ये T1 है, ये TC है, ये हमारे पास T2 है. तो अब जो कंडक्टिविटी होगी वो सेम होगी. तो देखिए K1 A T1 माइनस TC अपॉन L, लेंथ सेम है, इज इक्वल टू K2 A TC माइनस T2 अपॉन L. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गए. K1 कितना है, ये दिस इज 2K, दिस इज T1 माइनस TC इज इक्वल टू K2K एंड TC माइनस T2, ये कैंसिल हो गया. अब देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा 2T1 माइनस 2TC इज इक्वल टू TC माइनस T2, ये आया. ये इस तरफ ले आओ आप, कितना हो गया 2T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3TC. 2T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3TC. अब आगे देखिए, अब देखो हमें 2T1 प्लस T2 अपॉन 3 माइनस T2 इज इक्वल टू ये चाहिए, अपने को चाहिए TC माइनस T2 चाहिए. ये वैल्यू निकालनी है तो T2 इधर सब्ट्रैक्ट किया तो 2T1 ये आ जाएगा माइनस 2T2 अपॉन 3 इज इक्वल टू TC माइनस T2.
टी वन माइनस टी टू आपका दिया हुआ 2/3 टी वन माइनस टी टू आ जाएगा एंड टी वन माइनस टी टू इज गिवन एज 24 तो 2/3 इंटू 24 कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16 आंसर हो जाएगा आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर विल बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पल्लू एन आयरन ब्लॉक कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम टी वन 90 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम टी टू एंड 80 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइम टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट तो देखिए जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है तो जिसमें ज़्यादा होगा टेम्परेचर डिफरेंस उसकी कूलिंग का रेट ज़्यादा होगा मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा टी वन विल बी लेस देन टी टू विल बी लेस देन टी थ्री आंसर विल बी फर्स्ट फोर्टी सेवन देखो आइस स्टार्ट्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक एंड टेक 8 hours टू फॉर्म ए लेयर ऑफ 1 centimeter थिकनेस हाउ मच टाइम इट विल टेक टू इंक्रीज द लेयर 2 centimeter फ्रॉम 1 centimeter तो 1 centimeter से 2 centimeter तक के लिए कितना है तो देखो ये होता है टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू पहले हमारे पास 1² - 0² अपॉन ये हो गया हमारे पास 2² - 1² तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास दिया हुआ है 8 ये दिया हुआ है टी टू तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी टू हमारे पास आ जाएगा 24 ठीक है 8 upon t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 टी टू हमारे पास आएगा 24 का मतलब क्या हो गया मोर देन 16 hours आंसर विल बी 4 टू स्टार्स S1 एंड S2 रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी 360 nanometer एंड रिस्पेक्टिवली इतने नैनोमीटर पर वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो क्या होता है यहाँ पर एनर्जी एनर्जी हमारे पास रेडिएट कर कितने टेम्परेचर पर ये सॉरी लेमडा दिया हुआ है तो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा तो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू लेमडा 2 upon λ1 लेमडा 2 कितना है 480 upon 360 कितना आ जाएगा 4/3 आंसर विल बी 2 4/3 49 इन द गिवन फिगर द करंट थ्रू 4 ohm resistance हमारे पास ये है यहां पर देखिए इन दोनों का रेशियो इक्वल है इसका कोई रोल नहीं बचा इसका कोई भी रोल नहीं बचा अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने इसमें करंट मानी I1 और ये करंट मानी I2 तो I1 इंटू 24 इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा
is equal to I2 into 60. तो 2 12 से कट करो 2 और ये हो गया 5. तो I1 is equal to 2.5 I2, या ऐसे कर लेते हैं I2 is equal to कितना आ जाएगा 0.4 I1. टोटल करंट कितना है 1.4 है. टोटल करंट कितना है 1.4 है. तो देखो, तो यहां पर I1 प्लस I2 हमारे पास क्या आ गया 1.4 है. यह आ गया 1.4 I1 इज इक्वल टू 1.4. तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर. I1 हमारे पास 4 ओम में हमारे पास यही करंट आएगी जो ये करंट आ रही है. तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू मटेरियल इज 5:3. इफ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज सेम, थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल इज सेम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ. आर इज इक्वल होता है एल अपॉन के ए. आर इज इक्वल क्या होता है एल अपॉन के ए. तो यहां से के ए अपॉन आर इज इक्वल टू एल. के ए आर इज इक्वल टू एल. तो एल प्रोपोर्शनल टू के आ जाएगा. तो L1 अपॉन L2 क्या आ जाएगा, क्योंकि R सेम है दोनों का. तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू आ जाएगा K1 अपॉन K2. और K1 अपॉन K2 कितना, दैट इज 5/3. आंसर विल बी सेकंड. आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. नेक्स्ट 51. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. The intensity of heat radiation by a point source is at a distance d is I. If the distance is doubled, then what is the radiation? Radiation double. Radiation पूछ रहा है कितना हो जाएगा? I inversely proportional to d square होता है. तो I1 upon I2 is equal to d1 और ये हो गया d2 का whole square. I1 हमारे पास है I upon I2 is equal to d2 क्या हो गया d by 2. D2 क्या हो गया, डबल कर दिया गया 2D और ये D है, ये होल स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा I बाई 4. I बाई 4 आंसर चेक करो बेटा. आंसर I बाई 4, आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट 52. एसआई यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी क्यू इज इक्वल टू होता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी इंटू टी. इससे आप के की वैल्यू निकाल लो, हमारे पास यूनिट आ जाएगी फर्स्ट. तो 52 का आंसर हो गया फर्स्ट. 53. टू स्टार्स इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम एंड 4800 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर. तो लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन होता है. तो टी वन अपॉन टी टू क्या हो गया इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन. लेमडा टू कितना है 4800 और ये हमारे पास है 3600. दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4/3. आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट 54. इफ ट्रांसमिशन पावर ऑफ द सरफेस इज 1/6 एंड रिफ्लेक्टिव पावर, देखिए संचरण क्षमता 1/6 और परावर्तित क्षमता 1/3 है, तो अवशोषण क्षमता क्या हो गई, इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकल आता है एब्जॉर्प्टिव पावर निकल आते हैं. तो 1/6 अपॉन 1/3 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2. आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट 55.
If a rod is stretched to 3 times of its length, then thermal resistance becomes, देखिए बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं R proportional to L होता है, जबकि जब स्ट्रेच करते हैं तो R proportional to आता है L square. तो R upon R2 is equal to L upon 3L whole square कितना आ जाएगा, R2 is equal to 9R, मतलब कितना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 3rd. नेक्स्ट 57, द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी क्या होती है, जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो, तो यहां पर एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गया, 1, 56 हो गया. नेक्स्ट 57, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट ये होता क्या है एक्चुअली, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर. W इज इक्वल टू क्यू जे, W इज इक्वल टू क्या होता है क्यू जे, जे इज इक्वल टू क्या हो गया W बाई क्यू. यहाँ पर ये भी जूल, ये भी जूल, या अगर इसको कैलोरी में लिया तो ये कैलोरी, ये कैलोरी, तो हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज द डायमेंशन लेस. आंसर विल बी 4. 58, देखिए ये क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड एज शोन इन द फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये 1 है, ये सीरीज में है, ये सब सीरीज में है, यहाँ पे 8 कैपेसिटर है, तो अगर एक ये आया तो हमारे पास आया 1, ये दोनों हमारे पास सीरीज में जुड़ेंगे आएगा 1/2, ये हमारा जुड़ेंगे 4, तो ये आ जाएगा सीरीज में 1/4, ये जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 1/16. तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 square, ये आ जाएगा 1/2 cube, ये आ जाएगा 1/2 power 4, इस तरीके से आया. अब ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सी ए बी कितना आ गया, ये आ गया 1 + 1/2 + 1/2 square + 1/2 cube + 1/2 power 4. और ये हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी होती है जी पी इनफाइनाइट के लिए, और उसका फार्मूला होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - r. आर क्या होता है, इसका रेशियो होता है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ पर सी ए बी क्या आएगा, ए की वैल्यू हो गई 1 upon 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा 1 upon 1/2, कितना आ जाएगा 2 microfarad. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 microfarad, आंसर विल बी 2nd. नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 के अक्रॉस हमें लेना है. तो ये दोनों हमारे किस में आ गए, ये दोनों हो गए हमारे पास पैरेलल में, तो ये हमारे पास हो गया 9 और ये कितना हो गया 4.5. अगर हम देखें यहीं से हम सेट कर सकते हैं इसको कि ये हमारे पास है 4.5, तो ये 9 है, मतलब ये इस ये वैल्यू इसकी डबल है, ये वाली वैल्यू इसकी डबल है. तो चार्ज तो दोनों में सेम रहना चाहिए, चार्ज तो दोनों में सेम रहना चाहिए, मतलब क्या हो गया, इसका जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल का डबल होना चाहिए. तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास है 12, तो 2 और 1 का रेशियो आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 volt. हम लोग सीधा सीधा टिक कर देंगे, कोई यहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये C1 हमारे पास क्या है, ये है 3 है और ये है 6 है, ये 3 है, ये 6 है, और C3 कितना है, 3 है. तो ये हमारे पास आ गया, ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये हमारे पास है 3, ठीक है.
अब ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे पास किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, सी थ्री टू है, सॉरी ये टू है, ठीक है, सी थ्री हमारे पास क्या है, टू है, यहां पर ये टू है। अब ये टू और ये टू और ये टू मिलकर कितना हो गया, ये हो गया सिक्स, और ये हमारे पास सी टू कितना है, ये सिक्स है और ये सिक्स है, तो मिलकर कितना हो गया, ये हो गया ट्वेल्व, हो गया। अब ये दोनों सीरीज में ऐड होंगे तो 12 इंटू सिक्स अपॉन 12 प्लस सिक्स कितना हो गया, 72 अपॉन कितना आया, 18, कितना आ गया आंसर 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से बेटा अपन लोगों ने ये डीसीएम 25 नंबर कंप्लीट किया। इसमें से आप अच्छे से पूरा करिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा गुड लक, अच्छा करो, जय जय सी एल सी।